शून्य से शिखर तक, ये कहानी है दिए और तूफान की। इस कार्यक्रम में आप अनेक जानी पहचानी हस्तियों के संघर्ष की कहानियों से रूबरू होंगे और जानेंगे कि किस तरह इन बेजोड़ लोगों ने अपनी जिंदगी को सामाजिक कार्यों से जोड़ा और आज सबके आदर्श बन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं माधुरी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शून्य से शिखर तक, जिसमें आज हम बात करेंगे अ रियल कॉम्रेड की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने समाज के परंपरागत मार्ग पर चलने से इनकार कर दिया और अपना रास्ता खुद बनाया, जिसने विद्रोही की भूमिका अख्तियार करके जमाने के सामने खुददारी से जीने का नया सलीका पेश किया, जिसने सारे रूढ़िवादी लोकचारों को ठुकरा दिया और कभी ये परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। वह तो वही करता रहा जो उसकी अपनी कसौटी पर खरा साबित हुआ। नतीजा, आत्मगौरव और अपनी शर्तों पर जीने के सुकून के साथ समाज में सम्मान। इससे बड़ी उपलब्धि किसी के लिए और हो भी क्या सकती है। वह शख्स है कॉमरेड भंवर बारबर। आइए बात करते हैं श्री बारबर की और दिखाते हैं आपको कि किस तरह भंवर बारबर ने अपनी शर्तों से जिंदगी को जिया। ये कहानी है एक ऐसे हरदिल अजीज कॉमरेड की, जिसने सबसे पहले तो खुद को सामंती कुप्रथाओं से मुक्त किया और बाद में अपने आचरण से सभी को प्रेरित किया। यही कारण है कि आज कॉमरेड भंवरलाल बारबर परिवर्तन की बात करते हैं तो सुनने वाले भविष्य का सपना देखने लगते हैं। मेरे दिमाग में एक हमेशा फाइट रहा है, मैं रीति रिवाज, ये देवी देवता, ये भगवान, ये तमाम से मेरा जीवन में एक विरोध हो गया। मैंने कहा ये सब नकली नाटक है, सामंतवाद ने लखों सालों से राज किया। इन सामंतवाद में ये सारा का सारा नजारा है, हम इसको भुगत रहे हैं। तो ये मेरे दिमाग में बहुत बड़ी फाइट हो गई। तो परिवर्तन निश्चित है, समाज में तब्दीली आएगी और परिवर्तन आएगी, आज का जो हालात को बदले। ये पूरा मैं अभी भी ये मानता हूँ, मेरी अपनी समझ के आधार से कह रहा हूँ। हाँ, भंवर जी बहुत अच्छे आदमी है साहब, भंवर जी उन्होंने बहुत अच्छी सेवा करते थे साहब। भंवर जी रात दिन हॉस्पिटल में रहते थे, वो तो पांच भाई थे, उस वक्त कुछ नहीं था बादशाह के लिए। हाँ, उनके पास बादशाह के पास कुछ नहीं था, मकान था कच्चा पुराना कपड़े और उसमें वो रहते थे। समाज सेवा में बुलाते गांव में तो वो हमें समझाए से और मानते भी हैं इनको आज भी आदर के साथ। भंवर जी हाउ है, घोटा थोड़ी है कहीं हाउस है। बाबू जी का त्याग तो फिर कोई कर ही नहीं सकता जो आप इतने त्यागी हैं। और पहले तो परिस्थिति तो चार भाई थे और उस हिसाब से आपने जो उसके बाद में यहाँ से आप वापस उदयपुर चले गए, वहाँ जा करके आपने बहुत मतलब उन्नति की, पढ़ाई की, सब कुछ किया। और त्याग के मामले में तो आपने इतना किया कि भाइयों के लिए क्या हमारे दूसरे समाज हैं उनके लिए भी त्याग करना, और समाज के लिए जैसे बाल विवाह है, काज क्रियावर हैं, ओके मौके हैं, ब्याह शादी है उसमें खर्चा कम करो, सामूहिक ब्याह करो, और यहाँ के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए बहुत त्याग किया। और भाई बंधु के लिए तो इतना त्याग किया कि बस शायद कोई कर सकता है। सिटी में तो इतना किया है कि मतलब ये जो कच्ची बस्ती फेडरेशन के अध्यक्ष है, कच्ची बस्ती इतने मकान जो लाखों लोगों को मतलब बसा दिए आपने, और आज दिन तक आपने एक भी मतलब जो प्लॉट लेके मतलब बंगला या मकान नहीं बनाया। इसके अलावा और क्या त्याग कर सकते हैं। और यहाँ अगर कोई भाई भाई भी अगर लड़ी झगड़ा कर रहे हैं तो उनको भी समझाया, ये नहीं कि ये बात है, किसी ने अच्छा बुरा भी कह दिया तो भी आपने सहन किया, और इतनी सहन शक्ति शायद किसी में हो सकती है। कॉमरेड भंवर जी का जन्म 8 अप्रैल 1932 को उदयपुर के निकट मावली तहसील के गुड़ली गांव में हुआ। पिता कजोड़ी लाल बाल काटने का पुश्तैनी काम करके परिवार का पेट पालते थे। घर की महिलाएं प्रसव कराने में सहयोग करके दाई माँ कहलाती थी। खाली समय में परिवार के सभी लोग शादी ब्याह के लिए पत्तल दौने बनाते थे। बच्चे के जन्म से शुरू होकर शादी ब्याह और मृत्यु पर्यंत चलने वाले
सभी लोकाचारों में उनके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। फिर भी उन्हें कमीन कारू का संबोधन मिलता था। यही संबोधन भंवर जी को अखर गया और वे घर बार छोड़कर बचपन में ही उदयपुर आ गए। बुल्ली गांव का रहने वाला हूँ और वहीं मेरा जन्म हुआ है। और जब मैं जन्मा, थोड़ा सा होशियार हुआ, उससे तुम्हारे गांव में परिवार में मुझे वो जजमानवर्ती के रूप में मुझे इस्तेमाल करने लगा। जजमानवर्ती मैं ये मानता था कि जब जब धीरे धीरे मेरे समझ आया तो मैंने थोड़ा सामंतवाद का नज़ारा, उसका मेरे जीवन में बहुत उल्टा असर पड़ा। सामंतवाद ने नीचे के जो तमाम जाति हैं उनके साथ जो अन्याय था, वो कपड़े चांदी नहीं पहन सकते थे, सोना नहीं पहन सकते थे, साड़ियाँ कोर वाली साड़ियाँ नहीं, घोड़े पे नहीं बैठ सकते थे, तो वो सारा का सारा सामंती जो अन्याय था वो मेरे उसमें 12-13 साल की उम्र में मेरे दिमाग में आया कि ये क्या तरीका है, हमारे घर में कोई अच्छा शक्कर नहीं घाल सकते, चूने का मकान नहीं बना सकते। तो ये उस वक्त भी तो मेरे 15 साल की उम्र में ये मेरे दिमाग में उसका उल्टा असर हुआ। बाद में जब भाई बंटवारा हुआ तो उन्होंने अपना हिस्सा भाइयों के लिए छोड़ दिया। इन्होंने हमारे यहाँ से कोई हिस्सा नहीं लिया और ये उदयपुर चले गए, उन्होंने मजदूरी वहाँ की, यहाँ कोई हिस्सा नहीं लिया। उदयपुर में अपनी बुआ के यहाँ रहते हुए भंवर जी पर लोगों के घर जाकर पुश्तैनी काम करने का दबाव बराबर बना रहा, जिसे उनका किशोर मन कभी स्वीकार नहीं कर पाया। इसी दौरान भंवर जी ने पढ़ना लिखना सीखा और तय कर लिया कि वे एक ऐसा शानदार सैलून खोलेंगे जिसमें आने के लिए लोग लालायित रहेंगे, तब उन्हें घर घर नहीं जाना पड़ेगा। भंवर जी का यह सपना उनकी दूसरी शादी के बाद पूरा हुआ। पहली शादी तो इतने बचपन में हुई कि जिसकी ठीक से याद भी नहीं। यह बालिका वधू टीवी का मध्य प्रदेश के जावत कस्बे में बाल विधवा लीला देवी से ब्याह करके नई गृहस्थी बसाई। तो सर उदयपुर में आने के बाद मेरे बुआ जी थे तो वो मुझे यहाँ ले आए। टीबी के जो इलाज थे बड़े मुश्किल थे, तो मैंने
नाते जाती है वो शादी नहीं कर सकते। तो ये जो पुरुष ने पुरुष आदमी ने जो अधिकार ले रखा वो 10 जावत की ओर चला गया था। तो वहाँ ये वहाँ समाज वाले जावत की लीला देवी से शादी के बाद कॉमरेड भंवरजी को 3 पुत्र प्राप्त हुए जिन्हें उन्होंने कम्युनिस्ट संस्कार दिए, सामूहिक जीवन के सिद्धांतों पर अमल करना सिखाया और गरीबी को पराजित करने के लिए कड़ी मेहनत और एकताबद्ध संघर्ष का पाठ पढ़ाया। इन शिक्षाओं के चलते भंवरजी के 3 पुत्र आज अपने अपने क्षेत्र में प्रेरणा बने हुए हैं। भंवरजी के बड़े पुत्र जगदीश पालीवाल कई वर्ष तक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार से लड़ते रहे और अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर पिता के समाज कार्य को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। कभी समारोह में जाना तो किसी का कर्ज नहीं है, लेन देन के संबंध में जो होता है कि आप वहाँ जाओ और कुछ लेके जाना है या वहाँ पर कुछ देना है, लिफाफा देना है, गिफ्ट देना है, इससे कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम मतलब बेधड़क जाते हैं कहीं जाना है तो जो भी बहुत आवश्यक है तो वहाँ ज़्यादा दिखा हुआ है तो वहाँ हम लोग मतलब जाते भी नहीं हैं। समाज से मतलब फेस करवाना हर मतलब व्यक्ति के बस की बात नहीं, हम पापा से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब स्वैच्छिक रूप से जुड़े इससे और वो मतलब आगे बढ़े, हमें पापा को सहयोग दें, हमारे मतलब जो मतलब विचार हैं उनको सहयोग दें। मझले पुत्र अशोक पालीवाल अपनी पत्नी आशा के साथ उदयपुर के मधुबन में राजस्थान का सबसे सुंदर और अत्याधुनिक सैलून चला रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर में घूम घूम कर फैशन के नए ट्रेंड्स भारत ला रहे हैं। उन्होंने सैलून, पार्लर और स्पा के कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए एक कॉलेज भी खोला है जिसमें उनकी बेटी श्वेताशा के साथ प्रदेश के कोने कोने से आए छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। छोटे पुत्र भरत और उनकी पत्नी कांता चेतक सर्कल पर शहर का सबसे पुराना सैलून और पार्लर चला रहे हैं। मेरे पापा काफ़ी सिंपल है पर ग्रेट है क्योंकि उन्होंने कहीं से शिक्षा प्राप्त नहीं की, फिर भी वो बहुत ही एजुकेटेड हैं, व्यावहारिक हैं, फिर राजनीतिक पहलू सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, पारिवारिक हो, सभी में उन्होंने अहम भूमिका निभाई अपने जीवन में। उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाया, अपनी खुशियाँ को बाँटा है, काफ़ी स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, कभी किसी को दुश्मन नहीं समझा उन्होंने और आज इसीलिए हम लोग सुखी हैं उनके काम से। हमारे जीवन में जो पापा ने हमारे लिए एक बेस बनाया है, आज उस बेस की वजह से हम सामाजिक कुरीतियों से दूर हैं, जो सामाजिक नाटकीयता है उससे हम दूर हैं। हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि ऐसे पिता हमें मिले जिन्होंने
सच्चाई का साथ दिया हमेशा, और उन तमाम कुरीतियाँ जहाँ पे फिजूल खर्ची होती है, आज हमने जो विकास किया उसके पीछे पापा का हाथ है, चाहे प्रोफेशनली हो, पॉलिटिकली हो और चाहे सामाजिक रूप से हो। तो समाज में जो इतना काम को जिस लेवल में डाउन देखा जाता था, उस लेवल को उन्होंने बरसों से ही, जब से पार्लर्स का जो ये पार्लर खोला है उस समय से ही उन्होंने एक, आज जो लोग बाग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पार्लर, उसी हिसाब से उस समय आज से 50 साल पहले वही इन्वेस्टमेंट करके उसी हिसाब से पार्लर को उसका स्तर उसी समय बढ़ाया था। आज से 50 साल पहले ही स्तर अच्छा रखा था उसका, और उन्होंने पार्लर संबंधी अनुशासन कार्य को किस तरह किया जाता है और पूरी राजस्थान में ये पूरा दिया था कि पार्लर मतलब किस तरह संचालन किया जाता है, किस तरह होना चाहिए, किस तरह जो ऑफिसर वर्ग वगैरह हर तरह का वर्ग यहाँ पे जुड़ा रहा है। मेवाड़ के सामंती समाज में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किए जाने वाले लोकाचार अब तक कैंसर की तरह लाइलाज हैं। इनसे निपटने में कोई भी सरकार और कानून सफल नहीं हो पाए हैं। मृत्यु भोज के लिए जमीन जायदाद और घर बार तक गिरवी रखने की घटनाएं अधिकतर परिवारों की आप बीती रही है। इस आर्थिक दमन चक्र की शुरुआत पिता की मृत्यु के तत्काल बाद उसके बेटे के मुंडन से शुरू होती है। कॉमरेड भंवर जी ने इस चक्रव्यूह को अच्छी तरह समझ लिया और अपने पिता कजोड़ी लाल जी की मृत्यु पर मुंडन कराने से इनकार करते हुए सारे लोकाचारों को ठुकरा दिया। ये 70 का दशक था। पूरे समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई, लेकिन भंवर जी अडिग रहे। इसके बाद समाज के ठेकेदारों ने भंवर जी पर फिर अंधविश्वास का जाल फेंकने की कोशिश की। उन्हें बताया गया कि उनके पिता की आत्मा भटक रही है और उसे पूजा में बिठाना जरूरी है। ये रूढ़ीवादी लोग घोड़े पर सवार एक तलवारधारी योद्धा की प्रतिमा लेकर भी आए, जिसे भंवर जी को पिता के रूप में प्रतिष्ठित करना था। प्रतिमा देखकर भंवर जी दंग रह गए। उन्होंने कहा, मेरे पिता तो हजामत की पेटी लेकर घूमते थे, ये किसके पिता उठा लाए? ये तो मेरे पिता नहीं हैं। ये फटकार सुनकर भोपों की टोली चुपचाप खिसक ली और फिर कभी नहीं लौटी। इनके पिताजी की मौत हुई तब मौत होने के बाद जो पर्यावरण सारी चीज़ें हैं, इनका घोर विरोधी रहे और कहा कि हम इस काम से बिल्कुल ही अलग रहें। कुछ सामाजिक तौर पर कि जैसे अब जो है पूर्वज ही बन गए, तो पूर्वज बन गए तो इनको बुलाया तो हमारे पिताजी का है, बुलाया पूर्वज बन गए तो ये गए वहाँ, तो वो क्या कौन सा पहनाते हैं ना वो, तो वो घोड़े पर भाला वगैरह लगा के उसने कहा कि मेरा बाप तो जो है नाई की पेटी लेके घूमता था, ये किसका बाप को मेरे बाप बना रहे हो रे साले। सामाजिक रूपों में मतलब चाहे मृत्यु भोज का सवाल हो, बाल विवाह का सवाल हो, जातिवाद का सवाल हो, हर बुराई के खिलाफ में संघर्ष में अगुवाई दी है। कॉमरेड भंवर जी के एक मित्र हरिराम जी और उनकी पत्नी सुंदर देवी पालीवाल संतान नहीं होने से दुखी रहते थे। एक दिन हरिराम जी ने भंवर जी के सामने अपनी पीड़ा प्रकट की। बस फिर क्या था, कॉमरेड भंवर जी घर गए और अपने दो अबोध बच्चों को लाकर हरिराम जी को सौंप दिया। बोले, ये बच्चे आज से तुम्हारे, इन्हें तुम पालो, मेरा इन पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। और इस तरह हरिराम जी और सुंदरबाई ने जगदीश और अशोक को अपना लिया। तभी से ये दोनों भाई पालीवाल परिवार का हिस्सा। जिम्मेदारी भी ये ही संभाल रहे हैं। तो अशोक पालीवाल क्यों लगाता है? वो इसलिए लगाता है कि भाई जी है क्या ना, वो पालीवाल ब्राह्मण है तो वो नर्स हैं देलवाड़ा में, उन्होंने उसको पाला। तो वह कहा भाई बार बार होना जरूरी नहीं है, जिन्होंने पाला है वो उस लगाने लग गए, पालीवाल लग रहा है।
और उन भाई जी से और उस परिवार से इतना तगड़ा रिश्ता रहा कि उन्होंने उस परिवार को छोड़ दिया और जगदीश और जगदीश के जगदीश को ये जो बड़ा लड़का है उनको अपना लड़का मान करके जो भी चीज़ रही है वो उनका अलग से उसको वो दे दिया। कॉमरेड भंवर जी को किसी भी प्रकार का आडंबर पसंद नहीं है, वे दिखावे के सख्त खिलाफ हैं। शादी ब्याह में दहेज के लेन देन, बैंड बाजा, घोड़ी तोरण, हथलेवा, जीमण आदि रस्मों को वे सामंती अवशेष मानते हैं। भंवर जी का कहना है कि गरीबी से लड़ने के लिए इस फिजूल खर्ची को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है। शादी तो एक टी पार्टी में भी हो सकती है, ये बात उन्होंने करके भी दिखाई। जब एक आदमी जिंदगी से जा रहा है और उसके लिए कोई परिवार तैयार नहीं होता, रहे यहाँ शादी करा के घोड़े पे बिंद बना कर और मुझे छल लाना, तो मेरा ये मेरे दिमाग में वो चीज़ मेरे दिमाग में, तो फिर मैंने हमारे यार शादी में कौन सा है वहाँ लड़ाई झगड़ा है कि कोई ऐसी बात है, पांच आदमी से हो सकता है, दस देवरे में ही हो सकते हैं, शादी मंदिर में भी हो सकती है, हैं। और मैं बिगर पैसे से खेल कर रहा हूँ, इसको देखो जातीय तौर पे भी, और जिनसे एक बात उनकी सबसे बड़ी है वो अपने बच्चों बच्चों के शादी में साफ लिख देते कोई लाएगा नहीं, कोई देगा नहीं, कुछ भी नहीं है, और जीवन भी नहीं होगा, चाय नाश्ता और शादी, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो इसीलिए किसी के शादी में नहीं जाते हैं कि मैं जो है इतना लंबा चौड़े में जो है इतना खर्चा होता हो, तो कितने लाड साहब में आप ताजू करो कि मेरे राजेश के बच्चे की शादी में, बच्ची की शादी में भी नहीं है। मैं तो इसका मानता नहीं हूँ, लेकिन शादी में नहीं आऊँगा, क्योंकि बात मैं किसी को जिमाता नहीं, तो मैं किसी को जिमूंगा भी। शादी में फेरे आगे पीछे होते हैं, दूल्हा दुल्हन आगे पीछे होते हैं। काम किया समाज में, मुझे चार संबंधी मिले, छह संबंधी, पर छह संबंधी मुझे ऐसे ही
कॉमरेड भंवर जी ने अपने बच्चों की शादी में न तो दहेज लिया न दिया, केवल चाय नाश्ते का आयोजन करके बच्चों की गृहस्थी बसा दी। कुमकुम पत्रिका में भी प्रीति भोज के बजाय टी पार्टी का निमंत्रण ही दिया और उपहार लाने की मनाही कर दी। फिर भी उनके सभी बच्चे आज सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर्दा प्रथा विरोधी होने के कारण भंवर जी ने अपने पुत्र वधुओं को सबसे पहले सामंती घूंघट प्रथा से मुक्ति प्रदान की और आर्थिक आजादी के लिए ब्यूटी पार्लर खुलवा दिए। यही कारण है कि परिवार की नई पीढ़ी के मन में कॉमरेड भंवर जी के प्रति का मतलब समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व। उनकी एक इकलौती बेटी थी, उन्होंने उस समय परिवार और समाज से संघर्ष करके उनके खिलाफ जाके बिना दहेज की शादी करवाई। वो एक बहुत ही बड़ा उनका कदम था। पूरे परिवार ने उनका विरोध किया था और उन सबका ध्यान नहीं करते हुए उन्होंने ये बहुत ही बढ़िया, आज से 60 वर्ष पूर्व ये इतना बढ़िया काम किया था, जो शायद समझती हूँ बहुत ही मुश्किल काम है। उसके बाद उनके तीन बच्चे, तीनों बच्चों का उन्होंने दहेज नहीं लिया, न लेन और देन, वो काफ़ी बढ़िया रहा। उसके बाद समाज का उनके सामने चैलेंज था कि इनके तीन पोतियाँ हैं और इस आधुनिक युग में वो कैसे करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका कार्यक्षेत्र से लोग इतने प्रभावित थे कि बिना जूते घिसे घर बैठे उनके इतने बढ़िया रिश्ते आए और तीनों पोतियों का अच्छे घर में विवाह संपन्न उन्होंने करवाया। और उसी वजह से आज हम भी इतने हल्के हैं, न लेन और देन। हमें कभी किसी की कोई वो चिंता नहीं है कि आज हमारे किसी की उधारी है, बिल्कुल हल्के हैं। पापा को मैं एक पिता के रूप में देखती हूँ। जब से मैं आई हूँ, उनके जो आदर्श है, उनके विचार है, वो मुझे काफ़ी मतलब अच्छे लगते हैं। और आज उनकी प्रेरणा से जो मैं कुछ भी कर रही हूँ, आज उनकी प्रेरणा है सारे। राम मतलब प्रभात का इतना नाम है पूरे राजस्थान में और सबसे अच्छा पार्लर रहा है, तो इसको नाम को तुम आगे बढ़ाना, अच्छा काम करना। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे भंवरलाल जी जैसे दादाजी मिले, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बहुत अच्छे दादाजी हैं, एक बहुत अच्छे पापा हैं और वो हम सबका बहुत ध्यान रखते हैं। और आपने उनके जो सिद्धांत हैं कि दहेज नहीं लेते हैं, वो हम सबको बराबर का मान सम्मान देते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो मैं ये चाहूँगी कि मेरी भी अगर शादी हो या वो कुछ भी ऐसा करेंगे तो इसी तरह से करें जैसा कि वो भी करते आ रहे हैं। और मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि वो जिस तरह के इंसान हैं, उनके जिस तरह के विचार हैं, मैं उन विचारों को भी अपनी ज़िंदगी में लागू करूं और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूं। भंवर जी का राजनीतिक जीवन उस समय शुरू हुआ जब देश में आज़ादी के आंदोलन का उभार अपने चरम पर था। इस हवा ने भंवर जी के किशोर मन को बहुत प्रभावित किया। वह कांग्रेस के साथ हो लिए, लेकिन आज़ादी के कुछ समय बाद उनका इस पार्टी से मोह भंग हो गया। इसके बाद भंवर जी आरएसएस और जनसंघ के संपर्क में आए तो ओटीसी पास की, लेकिन यहां भी उनका मन नहीं रमा। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निकट आए और मेहनतकश जनता को जोड़ने के काम में जुट गए। कालांतर में पार्टी का विभाजन होने पर भंवर जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बदलाव की धारा में कूद पड़े। पहले मैं कांग्रेस से ही दिमाग करता यहाँ था और कांग्रेस को मुझे थोड़ा ठीक लगा, तो
कांग्रेस में जब ये लेन देन लेना झपटी नेतागिरी लेता नेता बनने के बाद खाना हैं घर बनाना ये मेरे दिमाग में आ गया। मैंने यार ये नेता बने हैं या तो सरकार में जा रहे हैं तो लूट रहे हैं। तो उस वक्त में मेरी 21 साल की उम्र थी, 20-21 साल की उम्र। तो फिर मैंने इसको पार्टी को छोड़ दिया और फिर मैं जनसंघ की तरफ गया। मैंने OTC पास की। मैंने कहा ये तो बड़ी ईमानदार की बात करें, इसका कोई मुकाबला नहीं यार। और मानो मानो को जोड़ रहे हैं, नीची जात वाले और ऊंची जात को ये भी जोड़ रहे हैं, तो ये फिर अच्छा लगा। तो 2-3 साल तक मैं इनके साथ भी घूमा, पर इनके साथ घूमने के बाद फिर इनके दिमाग में आया कि यार ये कहते क्या करते क्या, ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर मैं ये किताबें थी इनको, तो उसका मेरे पे बहुत बड़ा असर। तो मुझे ये पार्टी थोड़ी अच्छी लगी और इस पार्टी में जाने से मैं एक बात मैं ज़रूर करता हूँ, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, तो मेरी तरफ से मैं तो इनको इस पार्टी को एक ईमानदार पार्टी मिली। आप बहुत से लोग पार्टी के लोगों से मेरी पहचान बनी और उदयपुर की समाज के गैर समाज के अंदर दूसरी समाजों के अंदर जो ये लखों आदमी हमारे साथ हो गए हजारों आदमी, इससे थोड़ी सी दिल्ली से जयपुर से लगा कर तमाम जगह इससे मेरा जब थोड़ा आत्मविश्वास बना, इससे मुझे पार्टी से काफ़ी लाभ मिला। इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। कॉमरेड भंवर जी ने अपने मेहनत कश समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए उदयपुर में सैन शोर कलाकार मंडल की स्थापना की। इस ट्रेड यूनियन में सभी सैलून संचालक शामिल हुए तो हर काम की रेट फिक्स हो गई। इससे सभी दुकानदारों को काफी फायदा हुआ और एकता का करिश्मा भी समझ में आ गया। यही वजह है कि भंवर जी आज भी सैन शोर कलाकार मंडल के संरक्षक हैं। यहाँ आने के बाद समाज की कुरीतियों को देखा तो बहुत उनको जबरदस्त दुख हुआ
और उसके बाद उन्होंने ठान ली कि जीवन में अच्छाइयों के साथ इन लोगों के साथ व्यवहार किया जाए और चाहे ये लोग मेरा बुरा करें। और उन लोगों ने समाज के कुछ उस जमाने में आज से 40 साल 45 साल 50 साल पूर्व उन लोगों ने इनके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार नहीं किया। समाज में इनका बहिष्कृत करना, बाहर बिठा देना, समाज के न्योता नहीं देना, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं इन व्यवस्थाओं के आधार पर उन लोगों ने ऐसा गलत काम किए जिसकी वजह से समाज हमेशा उनको दंडित करता रहा। और उन्होंने जीवन में जो अच्छाइयां और उन्नत काम किए जिसकी वजह से इतना प्रभावशाली कदम रहा जो आज हम देख पा रहे हैं कि उनके जीवन की जो अच्छाइयां लोगों को समूल रूप से संभावित रूप से मोटिवेट किया, लोगों को आगे लाने का काम किया। जीवन में उन्होंने शौर्य कर्म का काम, उन्होंने अपना काम और समाज में अच्छे गरीब लोगों को और छोटे छोटे लोगों को आगे लाने का काम किया। और ये व्यवस्थाएं इतनी ज़बरदस्त रही उनकी कि आज उदयपुर में काफ़ी संपन्नता है और शौर्यकर्मी में काफ़ी प्रभाव उनका रहा। कॉमरेड भंवर जी सदैव छुआछूत के खिलाफ संघर्षरत रहे हैं। सन 1970 से पहले मेवाड़ में कोई भी नाई हरिजनों के बाल नहीं काटता था। बदलाव की हवा से प्रभावित होकर हरिजन युवकों ने उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। मेवाड़ के नाइयों ने इसके विरोध में हड़ताल कर दी जिससे स्थिति विस्फोटक हो गई। ऐसे हालात में कॉमरेड भंवर जी ने हरिजनों के बाल काटने का ऐलान करते हुए उन्हें अपने चेटक सर्कल स्थित सलून पर आमंत्रित किया। इस प्रगतिशील कदम से कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा होने पर प्रशासन को पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा। रूढ़िवादी समाज ने कड़ा विरोध किया लेकिन भंवर जी अपने निर्णय पर अडिग रहे। धीरे धीरे हर सलून में हरिजनों का प्रवेश स्वीकार्य हो गया। इससे साबित हुआ कि वर्तमान को पराजित करने वाले निर्णय ही भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं। कॉमरेड भंवर जी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उदयपुर की कच्ची बस्ती आंदोलन है जिसे उन्होंने कॉमरेड आयलदास और कॉमरेड बंशी सिंह भी के साथ शुरू किया। इसी आंदोलन की वजह से उदयपुर के हजारों नागरिकों के सिर पर खुद की छत आ पाई है। ये आंदोलन कोई मामूली आंदोलन नहीं था। सामने सरकार खड़ी थी। अदालतों में मुकदमे चले लेकिन वे पीछे नहीं हटे। आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। उन्होंने एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया और यूआईटी की आवासीय योजना का क्वार्टर लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। इसे कहते हैं कम्युनिस्ट नैतिकता। यही वजह है कि कॉमरेड भंवर जी को इस उम्र में भी कच्ची बस्ती फेडरेशन का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ने दिया जा रहा है। जो बेगरबार है और जितनी खाली पड़ी जमीनें बैठ जाए तो इस नारे पर क्या कि जब चारों तरफ संपर्क हुआ तो एक तूफान सा पैदा हो गया। 30-35 बस्ते जो है उस दौर में जुड़ गई और चारों जगह कब्जे कर लिए। और भी बार बार जो है लगातार हमारे साथ जो है लगातार लगे रहे। बार बार साहब ने उदयपुर की इस कच्ची बस्तियों की बसाने में अभी तक जो है वो अध्यक्ष बने हुए हैं और लगातार पिछले 30 साल से इस आंदोलन से अगुवाई करते रहे। तो वे कम्युनिस्ट विचारधारा के आधार पे भी उन्होंने अपने आप को जो है पूरा ढाला है घर में भी। अब उनकी काफ़ी उम्र हो गई है लेकिन उसके बावजूद भी आज भी खुद का खाना खाया है तो खुद की थाली साफ करना वगैरह ये जो हमारी परंपरा रहती है कम्युनिस्टों में
तो वो उसमें एक आदर्श के रूप में उनका जीवन है। मार्क्स, लेनिन और शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा से प्रभावित कॉमरेड भंवर जी धर्म को गरीबों का एक नंबर दुश्मन मानते हैं। उनका कहना है, जिन्हें शक हो वो करें और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। इंसान और इंसानियत पर अटूट विश्वास रखने वाले कॉमरेड भंवर जी को भला कोई नास्तिक कह सकता है? नहीं, वे तो परम आस्तिक हैं और परम सुखी भी। देवपुर में सबसे कोई को पूछे बाबूजी तो सुखी मैं ही सुन, सब दुखियारा देखता हूं मैं। तो देखा आपने, कॉमरेड भंवर जी अपने जीवन के उत्तरार्ध में जिस सुकून का अनुभव कर रहे हैं वह पूंजीवादी समाज में दुर्लभ है। ऐसा सुकून तो प्रगतिशील विचारधारा के आदर्शों पर अमल करने से ही मिल सकता है। यही वजह है कि कॉमरेड भंवर जी का संपूर्ण जीवन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। लेकिन इसके लिए चाहिए बुलंद हौसला, क्योंकि हौसले फतेह की बुनियाद हुआ करते हैं, कांपते हाथों से तलवार उठाया नहीं करते। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।